जातीय जनगणना तुमको हर हाल में लागू करना होगा, लागू करना होगा, लागू करना होगा, कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकता। जरा छाती पर हाथ धर के बोलिए तो, आज जितने लोग बैठे हैं अपने अपने हाथ को देखिए तो, इसे उठा के कितने लोग गुलामी का फंदा बांधे हुए अपने हाथ में, आधा से ज्यादा लोग यहाँ गुलामी का फंदा बांधे हुए। ये जय श्री राम का नाद है ना, जिस तरह से जानवर को खाने के लिए लगा दिया जाता है नाक पर, तो हमको खाने के लिए लगा दिया है सुबह से शाम तक, और हम सब लोग उसको ढो रहे हैं। इस नाद से मुक्ति के लिए अपने घर से भी अंधविश्वास और रूढ़िवाद को दूर करना होगा, तभी हमको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और ये आर्य लोग जो विदेश से आए हैं, हमारी बहु बेटियों के बारे में भी क्या लिखा, ढोल गवार सुदे पसुनारी ये सब तालन के अधिकारी, तो ढोल के जैसा पिटा रही है। मेरा धर्म रामायण नहीं है, मेरा धर्म महाभारत नहीं है, मेरा धर्म है संविधान। जातीय जनगणना तो कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है, कोई पैदा नहीं लिया है कि आपको रोक दे। संक्षिप्त में ही बोलना ज्यादा होगा। सबसे पहले मैं आयोजकों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय की मांग है कि जातीय जनगणना देश में शुरू हो, और खास करके हमारे नौजवान वर्ग, यहाँ नौजवानों की ज्यादा संख्या हमको दिख रही है, ये भूल गए हैं कि जिस एकलव्य ने, जिसने एकलव्य की अंगूठा काटा था, और अंगूठा काटने वाले खानदान को ही हम सब लोग रोज दिन नतमस्तक हो रहे हैं। अगर उससे मुक्ति लेना है हम लोगों को, तो जातीय जनगणना के साथ साथ जिसने एकलव्य की अंगूठा को काटने का काम किया, उसके बारे में भी तो हमको विचार करना होगा कि उसको कैसे हम अपने दिलों से, अपने घरों से बाहर कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा बड़ी समस्या हमारे बीच क्या है, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, इस संविधान को सबसे बड़ा खतरा अभी आज के तारीख में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उससे सबसे बड़ी खतरा है। इसलिए कि पूरी मीडिया पूंजीपति घरानों के हाथ में चली गई है, और आज वही चीज दिखाया जाता है जो आपके विरोध में है। आप जो कार्यक्रम देश भर में करेंगे, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा जगह, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम चाहे जितना मेरा विरोध करो, गेंद को जितना पटकते हैं जमीन पर तेजी से, गेंद उतना ही तेजी से उठता है। आज जातीय जनगणना का जो आंदोलन चला है, जो टीम ये बीपी मंडल जी के बीपी मंडल कमीशन से जो 1990 में पास हुआ संसद से, बीपी सिंह के नेतृत्व में, शरद यादव, लालू यादव के नेतृत्व में, जो ये लालू यादव के नेतृत्व में पास हुआ, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से गेंद को पटकते हैं और ऊपर उतना ही तेजी के साथ जाता है, आज उतना ही तेजी के साथ ये मंडल कमीशन का, अगर तुम नहीं लागू करोगे जातीय जनगणना, तुमको हर हाल में लागू करना होगा, लागू करना होगा, लागू करना होगा, कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकता। और हम सब लोग इसमें जुटे हैं। एक अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारा के साथ साथ, हम लोग जो पहले मैंने कहा, और पहले शिक्षा के बारे में, और मैडम भी जो मृत्यु भोज के बारे में बोल के गई हैं, एक साथ ही और बोल के गए, ये कौन करवाता है मृत्यु भोज, करवाता कौन है, किसने आपके माथे पर बोझा दिया है, ये आपको किसी ने दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंधविश्वास रूढ़िवाद के खिलाफ यहां बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, जरा छाती पर हाथ धर के बोलिए तो, आज जितने लोग बैठे हैं अपने अपने हाथ को देखिए तो, इसे उठा के कितने लोग गुलामी का फंदा बांधे हुए अपने हाथ में, आधा से ज्यादा लोग यहां गुलामी का फंदा बांधे हुए। लेकिन हम करते हैं किस चीज की वकालत करते हैं, हम करते हैं रूढ़िवाद, अंधविश्वास और मनुवाद का विरोध। मनुवाद का विरोध दिल से करना होगा, और नहीं तो जय श्री राम के
नाद में हमको डूबे दोगा। ये जय श्री राम का नाद है नाद, जिस तरह से जानवर को खाने के लिए लगा दिया जाता है नाक पर, तो हमको खाने के लिए लगा दिया है सुबह से शाम तक, और हम सब लोग उसको ढो रहे हैं। इस नाद से मुक्ति के लिए अपने घर से भी अंधविश्वास और रूढ़िवाद को दूर करना होगा, तभी हमको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जिस अंबेडकर ने संविधान जब लिखा तो ये दिया है हमको और आपको ताकत कि दलित पिछड़े समुदाय के लोग, आदिवासी लोग कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपको बैठने का अधिकार कहां था? आप थे क्या उसका भी अधिकार? बैठने का नहीं था आपको, तो केवल कमाने का अधिकार था, काम करने का अधिकार था, सेवा करने का अधिकार था। और ये आर्य लोग जो विदेश से आए हैं, हमारी बहु बेटियों के बारे में भी क्या लिखा, ढोल गवार सुदे पसुनारी ये सब तालन के अधिकारी, तो ढोल के जैसा पिटा रही है क्या है? तो अगर उससे भी मुक्ति लेना है तो जो लिखा गया है, जो पुस्तक है जिसमें लिखा गया है, साथ साथ इसका भी विरोध करना होगा और अपने घर से बाहर निकालना होगा, बाहर निकालना होगा, तभी यह होगा। और संविधान को हमसे अगर पूछा जाए कि आपका कौन सा धर्म है, तो मेरा धर्म है संविधान, मेरा धर्म रामायण नहीं है, मेरा धर्म महाभारत नहीं है, मेरा धर्म है संविधान, जिस संविधान ने हमको इंसान से इंसान बनने का मौका दिया है। और ये जातीय जनगणना ये मामूली चीज नहीं है, आपको ये इंसान बनने का एक मौका देगा, सत्ता में हिस्सेदारी देगा और आगे बढ़ने का मौका देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लागू हो तो संविधान को भी आगे बढ़ाना होगा। और जातीय जनगणना तो कोई माइकालाल रोक ही नहीं सकता है, कोई पैदा नहीं लिया है कि आपको रोक दे। तो इतना ही के साथ पीछे हमारे खड़े हैं, इन्होंने कहा संक्षिप्त में बोलने के लिए, अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और हम बीपी मंडल, अमर रहे, अमर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे।